हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में नेवी SSR AA के लिए GK के सेट 3 को देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेवी SSR एग्ज़ाम के लिए। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल सम्राट शाहजहाँ किनके पुत्र थे? तो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ जो है वह जहांगीर के पुत्र थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे वह त्रिगवेली थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से निम्नलिखित में से जो है खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वह वेटिकन सिटी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के रचयिता कौन थे? तो अकबरनामा के रचयिता जो थे वह अबुल फजल थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, अबुल फजल। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में तिलिया की संख्या कितनी होती है? तो अशोक चक्र में तिलियों की संख्या जो है वह 24 होती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू किस देश का प्रतीक चिन्ह है? तो कंगारू जो है वह ऑस्ट्रेलिया देश का जो है प्रतीक चिन्ह है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मोसाद जो है यह इजराइल देश की गुप्तचर संस्था है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है यह अरुंधति रॉय की रचना है। अरुंधति रॉय की गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है यह रचना है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होता है? तो एशियाई खेल जो है यह प्रत्येक 4 वर्ष बाद जो है आयोजित होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक यहाँ पर पर्ल होगा, ब्लैक पर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ब्लैक पर्ल के नाम से जो है पेले को जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशनरी ऑफ चैरिटी किस शहर में स्थित है? तो मिशनरी ऑफ चैरिटी जो है यह कोलकाता शहर में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वह श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है 1948 ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? तो देश का सर्वोच्च शौर्य सम्मान जो है परमवीर चक्र है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन महाभारत का मूल नाम है? तो निम्न में से जो महाभारत का मूल नाम है वह है जय संहिता। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का पहला आण्विक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला आण्विक केंद्र जो है यह तारापुर में स्थापित किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ्ट रेखा किन दो देशों के साथ विभाजित करती है या जोड़ती है? तो रेडक्लिफ्ट रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान को जो है जोड़ती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आचार संहिता की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो समान आचार संहिता की चर्चा जो है अनुच्छेद 44 में की गई है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे और यह हमारा सेट का लास्ट क्वेश्चन है, गांधी सदन कहाँ स्थित है? तो गांधी सदन जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। तो यह जो था टॉप 20 क्वेश्चन था जो कि नेवी SSR AA एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।